नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा में धसी निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अभियान का आज 16वां दिन है। इन्हें निकालने के लिए पहुंचाई जाने वाली 80 सेंटीमीटर व्यास की आखिरी 10 मीटर की पाइप बिछाने का काम पिछले 4 दिनों से नहीं हो पाया है, क्योंकि ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन टूटकर अंदर ही फंस गई थी। इस बीच बचाव अभियान पर कुदरत के कहर का खतरा भी मंडराने लगा है। पाइप के अंदर से मशीन के टूटे हुए हिस्से को भले ही निकाल लिया गया हो, अब वैकल्पिक रास्ते के तौर पर भारतीय सेना के जवान पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल खुदाई कर रहे हैं। करीब 20 मीटर तक की खुदाई पूरी हो चुकी है। वर्टिकल तौर पर कम से कम 86 मीटर की खुदाई की जानी है, जिसमें 4 दिनों तक का वक्त का दावा लगने का किया जा रहा है। दूसरी ओर सुरंग के अंदर बचाव अभियान के लिए अचूक रणनीति बनाने की मदद के लिहाज से ड्रोन मैपिंग भी कर ली गई है। इस बीच मौसम विभाग के एक अलर्ट ने बचाव अभियान में जुटे कर्मियों और अंदर फंसे श्रमिकों के परिजनों की टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज सोमवार से 3 दिनों तक भारी बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी भी दी है, जिसकी वजह से बचाव अभियान में और मुश्किलें आ सकती हैं। विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के ऊपरी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी बारिश के साथ साथ बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। वहीं सिलक्यारा, वरकोट, उत्तरकाशी के वो इलाके हैं जहां बर्फबारी भारी होती है। उत्तरकाशी में जहां सुरंग धसी है, वहां पहाड़ी मिट्टी होने की वजह से बारिश के बाद हल्की होकर और भी ज्यादा धसने लगती है। असल में सुरंग के अंदर डाली गई पाइप जिस सहारे पर टिकी है, उसमें भी बारिश के बाद दरार पड़ने की आशंका है। यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों की सुरक्षा भी भारी बारिश के बाद बड़ी चुनौती होगी। अगर मौसम विभाग की चेतावनी के हिसाब से यहाँ बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित होगा। बर्फबारी के बाद बिजली की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, साथ ही ठंड बढ़ने के कारण सुरंग में मजदूरों को भी दिक्कतें होंगी और बचाव अभियान में लगे लोगों को भी इससे दिक्कतें होंगी। इसीलिए सेना के जवानों ने सुरंग की ड्रोन के जरिए 3D मैपिंग की है, ताकि बर्फबारी के बाद अगर सुरंग का मुहाना ढक जाए तो अंदर की प्रतिकृति समझकर रणनीति बनाई जा सके। मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश, ओलावृष्टि और 3,500 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी होने की संभावना है। इन इलाकों में घना कोहरा भी छाएगा, जिसकी वजह से सड़क और रेल यातायात में भी परेशानी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पिछले कई दिनों से मौके पर डटे हुए हैं और खुद ही बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने उत्तरकाशी में अपना एक अस्थायी कैंप खोला है, जहां से मुख्यमंत्री दफ्तर के बाकी काम कर रहे हैं। दिवाली के दिन यानी कि 12 नवंबर को यह सुरंग धस गई थी, जिसके बाद से यहां पर 41 श्रमिक फंसे हुए हैं। बचाव अभियान में लगातार हो रही देरी और अब कुदरत के कहर का अलर्ट जारी होने के बाद परिजनों का मनोबल भी टूटने लगा है।